सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केजरीवाल तो देखिए वो नक्सल है, अर्बन नक्सल है और वो रूप बदलता रहता है, बहुरूपिया है, या मैं कहूँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ऐसे गिरगिटों पे उत्तराखंड विश्वास नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन, जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन, जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। -1% बेरोजगारी। अब -1% कौन हो सकते हैं? कोई विकलांग है, सक्षम नहीं है, वही होंगे मेरे ख्याल से, बाकी तो हो ही नहीं सकते, कौन होंगे? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। क्या बढ़िया था गुरु। ये कानून किसानों के अनहित में है ये कोई भी नहीं बता सकता, ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। क्यों पहले देखना चाहिए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मिडिल क्लास का छोटा परिवार, पापा हरियाणा के हिसार से थे, इंजीनियर थे और उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बड़ा बेटा अरविंद भी इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करे। बेटा उनकी उम्मीदों से बढ़कर निकला। पहले ही कोशिश में अरविंद ने आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया और उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। पहली नौकरी भी शानदार मिली, टाटा स्टील, इंजीनियर्स के सपनों की कंपनी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का, मैंने कहा मुझे आप इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर में शिफ्ट कर दीजिए, उन्होंने कहा नो, वी हैव टेकन यू एज एन इंजीनियर, यू हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। सो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। इस बार भी पहले ही कोशिश में वो सिलेक्ट हो गए। अरविंद IRS बन गए, IRS यानी रेवेन्यू ऑफिसर, और डिपार्टमेंट मिला इनकम टैक्स। कोई और होता तो यही लाइफ सेटल हो जाती, लेकिन अरविंद का मन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी नहीं लगा। 2001 में उन्होंने 2 साल की छुट्टी ले ली और सूचना के अधिकार का अलख जगाने में जुट गए। परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाकर उन्होंने बदलाव की बयार बहाने की शुरुआत की। 2 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह इस मिशन में जुट गए। इस बीच उनका घर सिर्फ पत्नी की सैलरी से चलता रहा। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो पहली बार उनके काम को पहचान मिली। लेकिन अरविंद इतने से संतुष्ट नहीं थे। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में घूस भ्रष्टाचार का दीमक देश को खोखला कर रहा था और अरविंद केजरीवाल अब उसे मिटाने के मिशन में जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। 2010 तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में पहचाने जाने लगे थे। गरीबों के साथ उनकी दुआ सलाम शुरू हो गई थी, वो इस व्यक्ति को अपना मानने लगे थे। केजरीवाल का परिवार मजे से आगे बढ़ रहा था, अरविंद दिन रात सामाजिक कार्यों में लगे रहते, फिर भी किसी को शिकायत नहीं थी, न माता पिता को, न पत्नी और न ही बच्चों को। 2009 से 10 तक जन लोकपाल कानून के लिए अरविंद केजरीवाल का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, न ही उनकी मुलाकात अन्ना हजारे से हुई थी।
लेकिन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में घूमते हुए सड़क के किनारे पटरी पर दुकान लगाने वालों से बतियाते हुए इसकी भूमिका बनने लगी थी। अपने आप होता गया, कोई ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि जब IIT में गए तब ये नहीं सोचा था कि इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने हैं, और जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए तब ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन नौकरी छोड़ के ये करने लगेंगे। तो धीरे 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 अपने आप होता गया। अरविंद केजरीवाल सामाजिक कार्य करते हुए कब राजनीति की राह पर निकल पड़े ये पता भी नहीं चला।